जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर मुख्तलिफ अच्छी अच्छी चीज़ों पर व्लॉग बनाता रहता हूँ, तो आज का जो व्लॉग है वो है कार बूट सेल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इंग्लैंड में आपको मालूम है कि कार बूट सेल के नाम से एक मार्केट लगती है तकरीबन हर शहर में, बल्कि हर शहर में कई कई मार्केट्स लगती हैं, तो आज उसके बारे में व्लॉग करेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें उसमें बताऊंगा। तो जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये कार बूट सेल है। इसकी हिस्ट्री, इसकी डिटेल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। कार बूट सेल का जो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि जैसे यहाँ पर जो रिपेयर चीज़ें होती हैं, रिपेयरिंग का काम इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जो रिपेयरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जो लोग क्या करते हैं कि लोग चीज़ें नई ख़रीदना ही प्रेफर करते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है या कोई चीज़ पुरानी हो गई है, तो बजाय उसको रिपेयर करवाने के, ठीक करवाने के, फर्बिश करवाने के, वो उसको बेचने को तरजीह देते हैं। अगर बिक जाए तो वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनका क्या होता है, उनका फिर ये होता है कि हर सैटरडे या संडे को शहर में एक जगह मखसूस की जाती है, एक ऑर्गेनाइज़र होता है, वो ऑर्गेनाइज़ करता है इसको, वो एडवर्टाइज़ करता है बड़े अच्छे तरीके से, और लोग वहाँ पर आते हैं उस इवेंट में। उसको नाम दिया गया है कार बूट सेल का, यानी कार का बूट, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में हम डिक्की बोलते हैं, तो डिक्की वहाँ पे डिक्की बोलते हैं, यहाँ पे बूट बोला जाता है, कार बूट, कार की डिक्की यानी कार का बूट। तो कार के बूट की सेल होती है, यानी इसका मतलब ये है कि लोग अपने घरों से जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं, जो वो इस्तेमाल नहीं करते और जो वो फेंकना चाहते हैं, या ये कि कुछ चीज़ें अच्छी हालत में हैं लेकिन उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़रा बेहतर है और वो पुरानी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें उन्हें पौने दामों बेच दें और नई चीज़ें खरीदें। और कुछ लोग ये भी करते हैं कि क्योंकि वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं कहीं पे, तो वो यहाँ पे अपनी गाड़ी की जो डिक्की है उसमें सामान भर के यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे 50p या 1 pound देते हैं और एक स्टॉल लगा लेते हैं। उस स्टॉल में फिर क्या होता है कि वो जो भी सामान लेकर आते हैं गाड़ी की डिक्की के अंदर, वो गाड़ी की डिक्की में ही या गाड़ी के आसपास रख के वो औने पौने दामों बेच देते हैं। और जो मतवसत या जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए इसमें क्या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ये है कि इसमें बहुत कीमती कीमती चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत म्यारी कपड़े और इस तरह के टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज़ आपको इस तरह बड़े औने पौने दामों, बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसी मार्केटों का रुख करते हैं और यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। और आप ये समझ लें कि 50p, 1 pound, 2 pound यानी इतने कम पैसों में आपको बहुत ही मयारी और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जितनी गाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी गाड़ियां जो हैं वो अपने बूट में अपने अंदर सामान भर के लाई हैं बेचने के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये टॉयलेट हैं डिस्पोजिबल, अगर टॉयलेट इस्तेमाल करना है। और ये इसके साथ एक आइसक्रीम की वैन है, पीछे आपको एक पोर्टेबल आप कह लें कैफेटेरिया नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे बर्गर वगैरह अगर आपने कुछ खाना पीना वो मिल जाएंगे। और ये जो बैकग्राउंड पे आपको ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं बहुत सारी, ये बायर्स की गाड़ियाँ जो ख़रीदने आते हैं, जो सामान ख़रीदने आते हैं, ये इनकी गाड़ियाँ और बहुत सारी हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में भी दिखाऊँगा, उससे आपको अंदाज़ा होगा कितने सारे लोग यहाँ पर सामान ख़रीदने आते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कार बूट सेल के अंदर, दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सामान बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, और उसके बारे में मज़ीद डिटेल बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। ये आइसक्रीम, डिस्पोजेबल टॉयलेट, हाउ आर यू डूइंग बडी, या यू हैप्पी आफ्टर लॉकडाउन, वेरी वेरी गुड, थैंक यू, थम्स अप, थैंक यू, इज मिस्टर निक्स, thank you, cheers, and these are the disposable toilets, this is sitting area for cafe, this is Chips and the name of the cafe is Mr. Chips, he is selling chips and fresh burgers etc.
ये आपको करीब से दिखाते हैं। ये है स्टीक, ऑनियन रोल्स, करी सॉस, चिप्स, रोस्ट पोर्क रोल्स। और खैर ये गोरों का सामान है, इसमें हलाल तो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनीवे ये खाने के लिए चीज़ें हैं। और ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारी आप देखें, अगर मैं काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 10 से 12 इन्होंने लाइनें बनाई हैं गाड़ियों की। और 12 लाइनों में तो जाना मुमकिन नहीं, लेकिन आपको 1-2 लाइनें इसमें से दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह का स्टफ़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें जी, ये बहुत सारा अपनी वैन में भर के, ये डीजे का सामान है, ये देखें डीजे का सामान है, ये बैटरीज हैं कार की और सीपीयू बैग्स, ये अपनी वैन भर के पूरी लाया सामान की। और ये 1 पाउंड 2 पाउंड का जो है वो बेच रहे हैं। ये कुछ लोग जा रहे हैं बहुत सारे इसमें से काम ख़त्म करके, क्योंकि अभी 2 के करीब टाइम है और ये 10-11 बजे शुरू होती है, 3-4 बजे तक रहती है। तो कपड़े हैं, ये देखें गाड़ी पे वो सामान रख के लाई है और गाड़ी के साथ ही लटका दिया। और ये देख सकते हैं आप, स्टॉल वगैरह लगा के फोटोस में बेचे जाते हैं। ये टूल्स हैं, टूल्स हाउ मच आर दे सर? सो दे आर डिफरेंट, ओके क्यों? वॉच 2 pound. What's the price? How much are these? 1 pound for the fine liners. Oh, fine liners. Cups 50p each. Earring, books, glasses. Wow. We have glasses liye hain aur little doggy in the boot. Hello. Hello doggy. Hello. What's his name? Oh, Buttons. Buttons. Hello. ये गाड़ी में वापस सामान भर है। ये बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लाइनें लगी होती हैं और लाइनों में आपने लाइनों में चलते जाना होता है। जैसे एक लाइन ख़त्म हो आप दूसरी पे चले जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, आपको डिफरेंट किस्म का सामान यहाँ पे मिलता है। और ये भी पैकिंग कर रही है, इधर से देखते हैं क्या ये चार्ज कर रही है। हेलो, तो क्या करना है? हाँ ना, ये यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई है, यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं। और अभी इस लाइन में जाके किस लाइन में देखते हैं क्या है। स्मॉल कार्स 3 for 1 pound 50p. गुड बार्गेन। ये माइक मैंने यहाँ से एक लिया है, एक माइक यहाँ पर लगा हुआ था, आपको वीडियो में दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में हम माइक टेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि माइक काम करता है या नहीं। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? ओलिविया। ओलिविया, ओलिविया, डू यू वांट टू से समथिंग इन द माइक? सो ओके, यू वांट होल्ड? हाय, सो वी जस्ट वांट टू टेस्ट दिस माइक इफ दैट वर्क्स ऑन। ओलिविया, डू यू लाइक टू से समथिंग? Maybe how about life living in Bristol? Do you want to say anything about life in Bristol? Very fun. And about this boot market, how do you find it? I go here quite often. It's quite fun if you want to find stuff cheap to buy. Yeah. And yeah. That's it.
Thank you. Bought that mic, that little, that very little mic, and that cost me 50p. A 50p का mic है, और आप देख रहे हैं कि ये बड़ा काम कर रहा है. I want to pay Olivia 50p or her mom. There you are. Thank you very much. That's very brilliant mic. Thank you. जी, अब हम एक नए stall पर आए हैं, और इस stall पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये iPod का स्टेशन है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं. लिटल स्टफ फॉर चिल्ड्रन. और ये नेक्स्ट स्टॉल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गैजेट, गाड़ियों, गाड़ी का, और ये बच्चों के खिलौने, और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, और सस्ती, और ज़ाहिर है पुरानी हैं, नई नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी जो कीमत है वो जो नई अगर आप ख़रीदें तो इससे थाई कम. हेलो, थैंक यू. सो दिस इज़ फ्री, एवरीथिंग हियर इज़ फ्री, दैट्स ब्रिलियंट. ये अब हम तकरीबन दूसरे एंड पे आ गए हैं. हमने ये वो जो कॉर्नर था वहाँ से शुरू किया था, अब हम बीच में से घूमते इस दूसरे एंड पे आ गए हैं, और यहाँ पे देखते हैं जो कुछ थोड़ा कुछ बचा है. और खैर, लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ बचा है वो क्या है, चलें आपको दिखाते हैं. ये देखें, बहुत सारे जॉगर्स, जिन्हें यहाँ पर ट्रेनर्स बोला जाता है, हर साइज़ के आपको मिल जाएंगे. और ये अगर नए ट्रेनर आप लें तो कम अज़ कम ये 15 पाउंड से शुरू होंगे, 15 पाउंड से 30-35 पाउंड तक जाएंगे, और यहाँ पे आपको ये 1-2 पाउंड के मिल जाएंगे. तो अभी इनसे कीमत वगैरह पूछते हैं, तो देखते हैं फिर. अगर आप देखें तो ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बस थोड़ा सा पहने हुए हैं. ज़ाहिर है उन लोगों ने पहना, साल डेढ़ साल पहना होगा, लेकिन इनका जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, कुछ नहीं बिच लिया, ये बिल्कुल ठीक है. और बड़े अच्छे अच्छे नाइकिया के भी इसमें हैं, और से कीमत पूछते हैं और फिर देखते हैं कि बार्गेनिंग करने की. ये देखें जी, ये चार्जर है, हर किस्म के लीडें हैं, ये टूल्स हैं इसमें. हेलो, वीडियो शूटिंग. आई हैव यूट्यूब चैनल and I make videos. Yes. Oh, we should charge you money. Why? Yeah. Why? Because you're recording us. I'm advertising. Hello? You. Yeah. Yes, bro. So, जी नाज़रीन, अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं, ये आप देखें, ये मोबाइल कवर है, इसमें कुछ पुराने मोबाइल भी नज़र आ रहे होंगे, और ये भी इतने कोई एक्सपेंसिव महंगे नहीं हैं, सस्ते ही हैं. और ये रिमोट आप देख सकते हैं, बहुत सारे रिमोट हैं. अगर बाज़ बच्चे रिमोट तोड़ देते हैं, तो नया रिमोट अगर आप मंगवाएं तो 10-15 पाउंड, समटाइम 20-25 पाउंड से भी सस्ता नहीं मिलता. और ये प्ले स्टेशन है, जो गेमिंग के रुझान के लिए, टीवी की स्क्रीन है, टेलीविज़न, तो इनकी कीमतें पूछते हैं और देखते हैं कि ये क्या चार्ज करें यहाँ पर.